किरदार को लेकर। यश और रॉकी में क्या है समानता और अंतर, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में भले ही ज्यादातर फिल्में किसी टॉपिक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और फिल्म को हिट या फ्लॉप कराने की जिम्मेदारी सबकी होती है, लेकिन दक्षिण या ये कहें कि साउथ की इंडस्ट्री का मामला थोड़ा अलग है। हीरो या फिर विलेन यही वो मानक है जिसके दम पर फिल्म चलती है। वही बात अगर क्रिटिक की जाए तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दर्शक और उनका फिल्म देखने का नजरिया भी साउथ के सिनेमा को बॉलीवुड से अलग करता है। साउथ के दर्शकों को हीरो ऐसा चाहिए जो सिर्फ हीरोइन से प्यार या मोहब्बत ना करे, बल्कि वो एक ऐसा एक्शन स्टंट परफॉर्मर हो जिसे देखकर थिएटर में तालियां बजने लगे, जो जब आए तो ऐसा समा बंधे कि इंसान को दूसरी दुनिया का दीदार करा दे। साउथ के सिनेमा का लेवल क्या है और दर्शक किस तरह की फिल्मों को हाथों हाथ लेते हैं, साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं दे सकता। साल 2018 में रिलीज हुई केजीएफ यू तो करीब 80 करोड़ रुपए बजट से बनी कन्नड़ फिल्म थी, लेकिन कहानी और प्लॉट उम्दा होने के नाते इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज किया गया और फिल्म ने करीब 250 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई की थी। यश ने अपने फिल्म और रोल को लेकर काफी बातें कही है। यश ने कहा कि फिल्म के लिए टीम ने वास्तव में कड़ी मेहनत की थी और चैप्टर वन ने जो सफलता हासिल की है वह हर तरीके से बेहद खुश है। हमने सिर्फ कड़ी मेहनत की है, केजीएफ 2 को एक साथ रखकर इसे ज्यादा बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाने वाला है। बता दे चैप्टर वन की सफलता ने हमें बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया है, ऐसा सुपरस्टार यश का कहना है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने फैंस को खुश करने और उनका मनोरंजन करने की पूरी उम्मीद करते हैं। वह अपने रोल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चैप्टर वन रॉकी उनकी पर्सनालिटी और उनकी दुनिया का परिचय था। केजीएफ 2 में आपको रॉकी के कुछ अलग अलग शेड्स भी देखने को मिलेंगे। यह एक बड़ा एक्शन धमाका फिल्म होने वाला है जो दर्शकों को निश्चित तौर पर काफी पसंद आएगा। वहीं अगर बात करें यश की रियल लाइफ की, तो दोस्तों उनका जो कैरेक्टर है रॉकी का, वो उनसे काफी डिफरेंट है अपने रियल लाइफ में। यश अपनी निजी जिंदगी में काफी दयालु और एक अच्छे बेटे हैं। जैसे यश ने रॉकी बनकर फिल्म में कई गरीबों की मदद की थी, ठीक वैसे ही वो रियल लाइफ में भी ऐसा करते हुए अक्सर ही नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वो बेहद ही शर्मीले किस्म के इंसान हैं, साथ ही बिल्कुल भी अपने मन में बदले की भावना नहीं रखते हैं, जैसा कि हमने बड़े पर्दे पर रॉकी के किरदार में देखी थी। केजीएफ 2 में यश का किरदार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दोस्तों आप सभी कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं केजीएफ 2 के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।